हेलो एवरीवन, एयरफोर्स स्कूल बाल भारती से शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो में हम तीन स्कूलों की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है, पोस्ट जो रहने वाली है वो प्राइमरी टीचर्स की रहेगी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, और इसके अलावा भी कई वैकेंसी हैं। तो अच्छे से जो है वो वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखें, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप भरें। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आप लोगों की फीस लगने वाली है। ट्वेल्थ ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, बीएड आपने किया है, बीटीसी, बीएसटीसी या डीलेड या फिर सीटेड आपने क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। बाकी चीज़ें जो है हम डिटेल में देखेंगे नोटिफिकेशन में, मेन वेबसाइट पर जाकर। ये इसकी मेन वेबसाइट है, द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे होम पेज पर ही आप लोगों को रिक्रूटमेंट 2023-24 तीनों स्कूलों की वैकेंसी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो ये देखिए नोटिफिकेशन है, और ये तीनों स्कूल हैं जिसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले लिंक दी गई है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द फॉलोइंग स्कूल वेबसाइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है आप लोगों को स्कूल की जो मेन वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये जो है स्कूल के मेन वेबसाइट पर ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है, और इसे जो है आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की डेट जो है वो डिसाइड की गई है 13 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा समय नहीं है, और आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फटाफट से जो है वो तैयार हो जाएं, अपना एक डेमो जो है तैयार कर लें अपने सब्जेक्ट का, और इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं। टाइमिंग रहेगी, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगी, और स्थान जो है आपका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू का, द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर जो है वैकेंसी है तीनों स्कूलों के लिए, जो है इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों को इसी जगह पर जाना होगा। अब चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं, टीजीटी हिंदी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी ये निकाली गई है। तो यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और यहाँ 50% मार्क्स आपके इनमें होने चाहिए। उसके साथ में जो है यहाँ पर अ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी हिंदी के लिए 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, बीएड हो, और साथ में सीटेट पेपर 2। एज यहाँ पर जो है वो 55 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 30,000 पर मंथ आप लोगों को सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो यहाँ पर भी जो है एलिजिबिलिटी जो है यही कही गई है कि बैचलर डिग्री जो है आपके पास है या मास्टर डिग्री है आपके पास 50% अंकों के साथ पॉलिटिकल साइंस में, तो आप यहाँ पर फॉर्म डालें, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो है एक चीज और देखें कि दो सब्जेक्ट आपने यहां पर जो है ग्रेजुएशन में पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसमें से एक जो है पॉलिटिकल साइंस तो होना ही जरूरी है। 55 साल यहाँ पर एज लिमिट रहेगी इसके लिए भी, और 30,000 आपकी सैलरी रहेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर जो वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में, तो यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस में या बीसीए आपका 50% मार्क्स के साथ में हो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है, या फिर आपने ग्रेजुएशन जो है किसी भी सब्जेक्ट में किया है, और आप लोगों ने जो है वो कोर्स किया है यहाँ पर ए लेवल का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम जो है स्कूल रहने वाला है, तो आप लोगों को इंग्लिश में जो है यहाँ पर पढ़ाना होगा। एज लिमिट 55 साल है, और सैलरी जो है कंप्यूटर टीचर के लिए भी 30,000 रखी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर पीआरटी जनरल के लिए प्राइमरी टीचर्स, तो यहाँ पर जनरल में कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ है, हिंदी है, ईवीएस है, इंग्लिश है, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है आप लोग पढ़ाएंगे, तो इसके लिए जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th मांगा गया है 50% अंकों के साथ में, और 2 सालों का आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास बीटीसी हो सकता है, डीलेड हो सकता है, डीएड हो सकता है, या फिर जो है बीएसटीसी हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो है और भी है जो है ऑप्शन है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी जो है 50% मार्क्स के साथ में किया है, और 4 साल का आपके पास जो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीलेड है, या फिर आपने अगर बीएड किया है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, तो भी आप यहां पर फॉर्म डाल सकते हैं। यहां पर जो है सीटेट मांगा गया है, और अगर आपने आपके राज्य का एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है, स्टेट टेट, आप किसी भी राज्य के हैं, आपने स्टेट टेट क्वालिफाई किया है, या फिर आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट आपने क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है
हिंदी, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। तो पीआरटी जनरल में जो है ये तीन सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो कि आपको पढ़ाने होंगे। 55 साल रहेगी और पीआरटी के लिए सैलरी जो है वो 25,000 है। असिस्टेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी है। 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और साथ में जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर जो है 25,000 आपको दी जाएगी। डॉक्टर की वैकेंसी है, तो ये यहाँ पर अगर किसी ने एमबीबीएस कर रखा है और 60 साल जो है यहाँ एज लिमिट है, 50,000 यहाँ पर मंथ सैलरी है। नर्सिंग असिस्टेंट की आप देखें बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से। 55 साल जो है यहाँ उम्र रखी गई है और 17,500 जो है वो पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कंपनी नोटिफिकेशन इतना सा ही है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बिल्कुल मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बताया जाता है, जो भी नोटिफिकेशन में होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है 2023-24 सेशन के लिए, और ये तीनों स्कूलों के नाम है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू डेली, दूसरा स्कूल है एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू डेली, और तीसरा स्कूल है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क न्यू डेली, ठीक है। और आप लोगों को जो है इस जगह पर जाना है, सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्कूल में आपको जाना है, यहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। और जो है आप लोग अपना एक जो है सब्जेक्ट का डेमो तैयार कर लें और अपना थोड़ा इंट्रो जो है वो रेडी कर लें, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बाकी जो है डॉक्यूमेंट के साथ में आप लोगों को इस जगह पर पहुंच जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो मेन वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क, यहाँ पर आप लोगों को मैंने एडवर्टीजमेंट पहले बताई, रिक्रूटमेंट 2023-24, यहाँ पर देखो यहाँ तीनों जो है स्कूलों के नाम लिखे हैं और यहाँ सबसे पहले लिखा है इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका जो है कम्प्लीट नोटिफिकेशन रहेगा। इसके नीचे है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल कर लेना है, डाउनलोड करना है, और उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी जीरोक्स कॉपी के साथ एक फोटोग्राफ के साथ में स्कूल में समय पर पहुंच जाना है। तो ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर, और डेट जो डिसाइड की गई है तो उसी डेट को जो है वो आप लोगों को पहुंचना है, 13 अक्टूबर 2023। तो चलिए ऐसी ही वैकेंसी के साथ जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।